हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में बात करेंगे एक मॉइस्चराइजर क्रीम के बारे में। वो है लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो अगर आप कोई ऐसी क्रीम देख रहे हो जिसको आप दिन रात को लगा सकते हैं, लाइट वेटेड हो, ग्रीसी ना हो और नॉन स्टिक हो, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन पे ये अच्छे से काम करेगी। कॉम्बिनेशन मतलब अगर आपकी टी जोन ऑयली रहती है, चीक्स अगर आपके ड्राई रहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपकी फ्लेकी स्किन है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, तो हो सकता है ये आपकी ड्राइनेस को दूर ना करे, नहीं तो ये ड्राई स्किन पे भी अच्छे से काम करेगी। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन है, कुछ लोगों की ऑयली स्किन पे काम कर जाती है, पर अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन रहती है और एक्ने प्रोन स्किन है, तब इसको आप यूज़ करने से बचिए, नहीं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएगी। इसके टेक्सचर की बात करूँ तो ये दिखने में क्रीमी है, पर काफ़ी कुछ ऐसे जेल टाइप की लगती है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पे, पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया है। लाइट वेटेड है, क्लेम करती है कि 24 आवर्स तक आपकी स्किन पे मॉइस्चर लॉक करके रखेगी। और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ज़्यादा सूदिंग है, आपको लगाने में बहुत अच्छा लगेगा। ये जो क्रीम है ये मिलकर बनी हुई है पीच मिल्क, इसमें पीच मिल्क की गुडनेस है, साथ ही साथ विटामिन ई है, और इसमें सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया गया है, जिससे कि स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करती है। इसको आप ऐसा डे क्रीम, डे मॉइस्चराइज़र के जैसे, नाइट मॉइस्चराइज़र के जैसे, नाइट क्रीम के जैसे यूज़ कर सकते हैं। दिन में आप यूज़ करते हैं तो ये आपके सनस्क्रीन का काम नहीं करेगा, सन से प्रोटेक्शन नहीं करेगा, इसलिए आपको इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और मेकअप के मेकअप करना है आपको तो उसके ऊपर भी आप, इसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं, मतलब इसको एज अ बेस क्रीम या प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके साथ आप कोई अगर स्किन का ट्रीटमेंट ले रहे हो तब आप इसके साथ यूज़ मत करो। और बाकी अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस हाइड्रेशन चाहिए, आपको बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन चाहिए स्किन के लिए, तब एक कमाल की क्रीम है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। इस क्रीम में पीच मिल्क की गुडनेस तो है ही, साथ ही साथ कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए गए हैं। जो केमिकल्स हैं वो आप देख सकते हैं, लिस्ट में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है कोई उनमें से आपको सूट ना करता हो तो आप इस क्रीम को नहीं लें। जिन लोगों को तीखी फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है। तो बिल्कुल आप एक बार इसको यूज़ करके देखो। इसको आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।